और देख YouTube की सीरीज वन शॉर्ट सीरीज कहीं से भी कम नहीं होता है रेगुलर लेक्चर के कंपेयर में। भाई जब हम बढ़ाने जाते हैं ना तो क्लास में 6-7 लेक्चर में कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो यहाँ भी तो 12 घंटे पढ़ा के जाते हैं, बात बराबर हो गया। और टाइम तो उतना ही दिया ना, टाइम उतना ही दिया। तो तुम कहोगे सर तो ठीक है हम YouTube में क्लास में हम करें क्यों? अरे क्लास में इसलिए करें कि तेरा दिमाग है एकदम जीरो है ना, डब्बा है ये, दीवार पे मारेगा टन टन बजेगा देखना खाली है, खाली है एकदम। तो उसमें धीरे धीरे डालते हैं 10 दिन में तो कुछ रुक पाता है। अभी क्या है कि अभी रोज 8 घंटा पढ़ना लगातार पूरा मुश्किल होता है, लेकिन अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और क्या है ना, वो होता है ना तुम देखे हो गाँव में वो घोड़ा गाड़ी होता है जिसको हम टमटम बोलते हैं, अलग अलग जगह अलग बोलते हैं, उसके घोड़े में दो नाल लगा देते हैं ऐसे, वो इधर उधर कहीं नहीं देखता, सीधा आगे देखता है। मतलब मेरा तो ये कहना है देख भाई, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं हिंदी में सिलेक्शन हो सकता है, और गांव से हूँ कभी कोचिंग में नहीं पढ़ा, सिलेक्शन हो सकता है? सिलेक्शन किसी टीचर से नहीं, किसी लैंग्वेज से नहीं, सिलेक्शन किसी मोड से नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन से नहीं, सिर्फ पढ़ने से होता है। सही, रगड़ के पढ़ दो ना, एकदम रगड़ के पढ़ दो सारा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, रगड़ के पढ़ो। लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये कहीं नहीं पहुंच पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये भी रहता है ना, अगर आप थोड़ा 4-5 लोगों में बात करो तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम रहता है, लेकिन उसको बढ़ा लो अपना है ना, और 2 महीने तक बिना सोचे समझे पढ़ लो है। अब तुम्हें कई बार लगेगा कि यार बहुत मेहनत कर रहे हैं पता नहीं क्या होगा, करके तो देख एक बार क्या होगा, अभी सोच रहा है करना एक बार, जान लगा के देख जीवन में एक बार ना एक बार तो मैंने कभी ना कभी मेहनत करना ही पड़ेगा। तो आंख बंद करके एकदम, और जो टीचर बोले उसको 100% फॉलो करना, जो टीचर बोले जितना कराते उस पर विश्वास करना, क्योंकि भाई तुम जितना मेहनत से पढ़ रहे हो ना, लेक्चर बनाने से पहले भी टीचर उतना मेहनत करता है और लेक्चर डिलीवर करते समय भी उतना ही मेहनत करता है, दोनों चीजें, दोनों चीजें, तुमसे दुगनी मेहनत टीचर कर रहा है। ईमानदारी से बताओ, मतलब नहीं कहना चाहिए ठीक है आप अपना मेहनत खुद से बोल रहे हो, ठीक है नहीं कहते हैं भाई, लेकिन जो सच्चाई है वो बताते हैं। आप तो यहाँ पे 6 घंटे पढ़ोगे 8 घंटे पढ़ोगे, ठीक है आपने 8 घंटे पढ़ा, लेकिन लेक्चर 8 घंटे का तैयार करने के लिए भी पहले टीचर पीपीटी बनाता है, उसको देखता है, और जो जरूरी चीजें हैं उसको सीक्वेंस में, मेन तो था सीक्वेंस, क्वेश्चंस कैसे कैसे कराने हैं, किस सीक्वेंस में कराने हैं, कैसे नहीं कराने चाहिए, किस सीक्वेंस में कराने चाहिए, क्या रिलेवेंट है, क्या नीट में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, वो मेहनत करता है। और फिर यहाँ पे आके जब डिलीवर करता है तो आपके समझाने मेहनत करता है, और फिर बायो को समझाने, मतलब समझ लो कितना नेक्स्ट लेवल, बहुत आसान नहीं है बायो को समझा देना, है ना, तुम बायो ही ना तो इसको समझा देना बहुत मुश्किल काम है। तुम कहोगे सर हम भी मेहनत करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम रिवीजन करते हैं, हमको तो टेस्ट भी देना होता है, तो कॉलेज में तू जाएगा कि मास्टर जाएगा? और क्या, नाम तो तुम्हारा, हाँ, कॉलेज डॉक्टर तो तू बनेगा ना भाई, तो इतना मेहनत तो करना भी चाहिए। और दूसरी बात है, आज तुम अभी पढ़ के मेहनत करके सेलेक्ट होके कॉलेज में चले जाओगे, मजे करोगे, वहां भी पढ़ाई करनी होती, लेकिन पास फेल का टेंशन नहीं रहता इतना, है ना, बहुत आपको टॉप नहीं करना, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ाई करोगे तो भी कॉलेज कट जाता है, और तुम डॉक्टर बन जाओगे, और 4 साल बाद भी आओगे ना तुम देखोगे, तुम्हें याद आएगा कि अरे यार ये सर देखो ना आज भी वैसे ही पढ़ा रहा है, उसी तरीके से लगे पड़े हैं और इन गधों को समझा रहे हैं बायो एओ को, और तुम उस समय शायद डॉक्टर बन चुके होगे आज भी, मुझे नहीं पता। कई बच्चे अब मिलते हैं कहते हैं सर आपका लेक्चर यूट्यूब पे देखा, सर आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हो जैसे हम लोगों को पढ़ाया था। तो भाई मास्टर मास्टर ही रह जाएगा, जीवन तो तेरा बनेगा भाई, नहीं मतलब कभी कभी बच्चे ही कहते हैं हमें तो नहीं महसूस होता, ठीक है हमारा काम है, हम मेहनत से कर रहे हैं, डेडिकेटली कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं सर 4 साल पहले आपसे पढ़ा था, कई बार बच्चे देख लेते हैं ना वीडियो। अच्छा बच्चे ये भी बोर नहीं होते क्या? अच्छा ये जो ड्रॉप करते हैं या दोबारा इनको पढ़ना पड़ जाए तो इनको लगता है कि मैं एक ही चीज कितनी बार पढ़ूं, मास्टर को सोच, वो बेचारा उसी को रगड़ रहा है, 10-12 बार उसी को रगड़ रगड़ के पढ़ा रहा है, तो मास्टर के बारे में सोच, मास्टर कर ही रहा है ना भाई, और क्या, तो वहां से मोटिवेशन ले ले भाई। मास्टर के लिए मोटिवेशन ये होता है कि जिनको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें, अपना करियर बना लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, और हम गर्व से कह पाए ना कि भाई हम हिंदी माध्यम में भी इतने बच्चों को सेलेक्ट कराए हैं, हिंदी माध्यम में हमने इतने बच्चों को सेलेक्ट कर दिया, तो ये भी एक प्राउड है ना, मास्टर को यही चाहिए कि उसके पढ़ाए हुए बच्चे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाए, रिजल्ट सिलेक्शन हो और बहुत अच्छा रिजल्ट है, फिर अगले साल से फिर वही घसना है कलम, ठीक है तो पढ़ो अच्छा करो।